हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है परम इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे मल्टीमीटर को इस्तेमाल करके हम एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज कैसे मेज़र करें। तो ये हमारे पास एक मल्टीमीटर अवेलेबल है जिससे हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस ओम मेज़र कर सकते हैं। और एक बैटरी 9 वोल्ट की हमारे पास है जिसकी हम वोल्टेज मेज़र करेंगे। और एसी सप्लाई के लिए हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक्सटेंशन को हम सप्लाई दे देते हैं। तो ये सप्लाई आ चुकी है। अब मल्टीमीटर में 2 निशान अवेलेबल हैं। एक आप देख रहे हैं, ये जो है लेफ़्ट साइड पे जो है वो डीसी का है, और जो राइट साइड पे है वो एसी सिग्नल मेज़र करने के लिए। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, तो हमारी जो घर की सप्लाई आती है 220 240 आती है, तो हम 600 के ऊपर इसको सेट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो 2 वायर्स हैं, अब जो आपकी रेड केबल है उसको आपने वी वोल्टेज ओम मिली एम्पियर पे अटैच करना है, और आपका जो ब्लैक लीड है जिससे आपने मेज़र करनी है उसको आपने कॉम के ऊपर अटैच करना है। तो हमने जैसे इसके ऊपर अटैच कर दिया, अब हम वोल्टेज को मेज़र करेंगे। तो इस तरह से हम अटैच करेंगे। तो ये देखिए, तो हमारी वोल्टेज जो आ रही है वो 245 244 वोल्टेज के करीब आ रही है एसी वोल्टेज की। तो इस तरह से हम एसी वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं। अभी हमने डीसी वोल्टेज करना है। तो डीसी वोल्टेज के लिए ये लेफ्ट सेक्शन है, तो हमारी जो है 9 वोल्ट की है। तो तकरीबन तकरीबन हम क्या करेंगे, 20 वोल्ट के ऊपर इसको रखेंगे। तो इस तरह से 20 वोल्ट के ऊपर हमने रख लिया है। तो हमारी ये बैटरी है, इसका ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड पे है छोटे वाला, और जो नेगेटिव टर्मिनल वो इस साइड पे है बड़े वाला। तो यहाँ पर हम रख के पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच करेंगे। तो ज़्यादातर क्या होता है, हमारी जो रेड केबल होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच करते हैं और बड़े नेगेटिव पे नेगेटिव। तो देखिए हमारे पास जो वोल्टेज आ रही है वो आ रही है तकरीबन 8.82 वोल्टेज। तो बड़ा छोटा सा आज का हमारा प्रैक्टिकल था, एक्सपेरिमेंट था कि कैसे हम वोल्टेज को मेज़र करें विद दी हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। तो मेरी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।